बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को। जैसे कि आप सभी को पता था कि फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग उत्तर प्रदेश में 18 मंडल में अलग अलग जिला में कार्यक्रम रखा गया था और बड़ी तैयारी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया। पटना से प्रतिमा बन के उत्तर प्रदेश पहुंचा, लेकिन सरकार एंड टाइम पे प्रतिमा नहीं स्थापित हो या मालन पर ना हो उसके लिए उन्होंने सब जगह कैंसिल कर दिया कार्यक्रम और कोई भी कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने स्तर से घर पे या गांव में पार्टी समाज के लोगों ने फूलन देवी का शहादत दिवस मनाए और बिहार में भी मनाया गया, लेकिन मेरा कार्यक्रम पहले से ही रद्द था। उसके बावजूद भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि बनारस में मेरा पहले से आना तय था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए, लेकिन आपने देखा कि कल किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया और वहाँ से उत्तर प्रदेश में मतलब बनारस में कोई कार्यक्रम सारे कैंसिल करवा दिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें जो देखने के लिए मिला कि माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के बात पे और उनके बोलने पे विश्वास नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो खास करके उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के लोगों को एस सी एस टी और अति पिछड़ा समाज के लोगों को इस तरीके से सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इस पर कैसे मंथन करना है। ये बात तो अलग है कि सनप मल्ला का डर उत्तर प्रदेश में दिखा, 5000 पुलिस कर्मी कल बनारस में उन्होंने छावनी में बदल दिया, हमारे जहाँ तहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को रोका गया, उसके बाद जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी था उनको होटल में भी नज़रबंद रखा गया। तो ये सारे चीज़ तो दिख रहा है कि वीआईपी पार्टी का असर और ताकत वहाँ पे दिख रहा है और ये डर अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन भारत हमारा है और जब भारत हमारा है तो हमारा अधिकार है कि कोई भी प्रदेश में कहीं राज्य में हम जाके अपनी बात को रख सके और उसमें कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से रोके वो उचित नहीं है। तो लेकिन ठीक है, उनकी प्रदेश है तो हम लोगों ने आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से हम अपनी सरकार बनाएंगे और जब आने वाले समय में सिर्फ 18 मंडल नहीं 75 जिला में फूलन देवी जी का प्रतिमा लगे ऐसे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। आज जैसे हमने बिहार में अपनी सरकार बनाया है और हमारी सरकार रहने के बाद आज बिहार में एनडीए की सरकार है और बिहार में भी कार्यक्रम हुआ, बेगूसराय में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, तो बिहार में प्रतिमा भी लगा और माल्यार्पण भी हुआ, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं इशू नहीं हुआ क्योंकि ये बिहार में एनडीए की सरकार है, वीआईपी पार्टी की सरकार है और हम लोगों ने शांतिपूर्ण यहाँ पे कार्यक्रम किया और इसी कार्यक्रम को आने वाले समय में भी हम लोग करेंगे। लेकिन मैं अभी भी योगी जी से कहूँगा कि जाति विशेष ना सोचकर सबके साथ देकर सबको भरोसे में लेकर काम करें और मैं चाहूँगा कि पिछड़े समाज का वहाँ पर सुना जाए सरकार, क्योंकि हम बिहार में एनडीए के साथ हैं, हमारे बिहार में ही सिर्फ संबंध है, बिहार से बाहर हमारे संबंध नहीं है। हमारी सोच है कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल के कुछ हिस्से में पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि 2024 में हम 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद पहुँचाएँगे और हमारी जो मुख्य मांग है निषाद समाज को आरक्षण लागू करवाना। आरक्षण तो पहले से मिल रहा है लेकिन लागू नहीं है कुछ प्रदेशों में, जैसे दिल्ली में या बंगाल में आरक्षण लागू है लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है। तो हमारे से प्रदेश में लागू कराने के लिए हमें दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश होके पहुंचते हैं, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में मजबूती से 2022 में चुनाव लड़कर और उत्तर प्रदेश दिल्ली पहुँचेंगे और हम अपने समाज का जो आरक्षण की बात है वो पूरा हम लोग करेंगे। तो इसके लिए और मैं योगी सरकार को कहना चाहूँगा कि भविष्य में ध्यान रखे, इस तरीके से किसी प्रदेश के नेता को, मंत्री को इस तरीके से कस्टडी में ले लेना ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दो नहीं सैकड़ों हम बिहार राज्य में भी दूसरे प्रदेश से नेता को आने से मना कर सकते हैं, लेकिन हम बिहार प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है और मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरीके से किसी भी नेता को बिहार प्रदेश में अपमानित हो या उसको हम लोग रोक ले, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो ऐसा अगर हो तो फिर तो पूरे भारत में एक दूसरे को नेता को रोका जाएगा, तो ये सही नहीं है, ये परंपरा सही नहीं है। योगी जी को इस पर विचार करें और बगैर कोई कारण का और एक व्यक्ति को से डर से अगर आप अगर इस तरीके से आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है तो फिर आप कैसे सरकार चला रहे हैं, फिर तो आपको सोचना है, आपको विचार करना कि आप इतने बड़े प्रदेश का मुखिया आप कैसे बने हैं। तो इसके लिए आपको
हर नेता को, हर जनता को आपको सुरक्षा देना आपका काम है, आप सरकार में हैं। आज जैसे हम लोग सरकार में, तो हमारा हर एक जवाबदेही हम पे बनता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे बनता है कि बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा देना, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का भी बनता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने के लिए नहीं मिला, भविष्य में भी इसी तरीके से बहुत सारा कार्यक्रम होगा। अगर ऐसे अगर किसी प्रदेश का मुखिया का अगर ऐसा मनमाना हुआ तो ये तो भविष्य में अच्छा नहीं रहेगा कोई भी प्रदेश के लिए, कोई भी राजनेता के लिए। तो इसके लिए देवगुरु जी समझेंगे, और विशेष तो वो उनकी राजनीति है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और हमारा मकसद है कि समाज को वहाँ जोड़ना। अब मुझे लगता है कि जल कल अगर 18 मंडल में कार्यक्रम होता तो जितना समाज कल यूनाइट हुआ उतना शायद नहीं होता। कल पूरे भारत के निशान जो फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं, सब लोग एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। फूलन देवी दो बार सांसद रही है, चंबल से लेकर वो सफ़र को तय किए सांसद तक पहुँचे, सम्मानित पद पे रहे हैं। उनके बाद उनका हमेशा विचार रहा, सपना रहा कि पूरे भारत के निषाद को एक करें। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि फूलन देवी अभी भी जिंदा है, आज उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके विचार पे आज हम लोग काम कर रहे हैं और समाज को जोड़ रहे हैं। आज फूलन देवी जिंदा रहती, हम लोगों के बीच में रहती, तो शायद आज ये दिन नहीं रहता, आज निषाद समाज बहुत आगे निकलता। लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में वीरांगना फूलन देवी का सम्मान हमेशा बना रहे, बिहार में भी बनाएंगे, और पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद।